हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट निकली है, नोटिफिकेशन निकली है ICAR की तरफ से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग अबाउट इम्पोर्टेंट डेट, वैकेंसी, एप्लीकेशन फीस, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन सीटीज, एवरीथिंग अबाउट ICAR, जो IARE का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें जो वैकेंसी निकली है नोटिफिकेशन असिस्टेंट की, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है जी, तो चलिए लेट गेट स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप कई सारे कैंडिडेट बोलते रहते हो सर कैसे अप्लाई करूँ, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले गूगल में आपको लिखना है, क्या लिखना है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे ही ओपन करते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने जो दिख रहा है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रंट पेज में यहाँ पर देख सकते हो अप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पोस्ट एट ICAR हेडक्वार्टर एंड इट्स इंस्टीट्यूट। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक अ न्यू पेज विल ओपन लाइक दिस। ये पेज ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हो ये अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर डेट मेंशन किया 7 मई से ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और एंड हुआ 1 जून को। ठीक, अब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो डिटेल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के लिए, यहाँ पर क्लिक हेयर का जो हेयर है वहाँ पर क्लिक करो तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो स्टेप वन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप टू ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पे चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे, प्रोसीड टू रजिस्टर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाओगे। कौन सा पेज पे, ये पेज पे। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर लोगे ICAR का और अपने ईमेल नेम आईडी और एंड्रॉइड सारा कुछ एंट्रोल करने के बाद आप इस पेज पे लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि PDF या PDF का लिंक मैं नोटिफिकेशन और साथ ही साथ लिंक में दे दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना अच्छे से। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से देख लेते हैं क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं PDF उनके द्वारा रिलीज कर गई है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एट ICAR हेडक्वार्टर। तो ये Level 6 का पे होने वाला है, Level 7 CPC है, काफ़ी हाई रेंज की सैलरी है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन होगी वो जून में होगी, यहाँ पर देख लिखा हुआ है लास्ट वीक ऑफ जून प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा और जो मेंस का है स्किल टेस्ट वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि ICAR हेडक्वार्टर में 71 और 44, 16, 7, 1, 3 ये डिफरेंट कैटेगरी वाइज। अब बात कर लेते हैं ICAR इंस्टीट्यूट में डिफरेंट जो रीजनल ऑफिसर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें है 391, राइट, डिफरेंट कैटेगरीज का यहाँ पर दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द एप्लीकेशन विच इज एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाली है असिस्टेंट का, ICAR असिस्टेंट ग्रेड एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है। तो दो फेज में एग्जामिनेशन में पहला प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, देन आपको मेंस का एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स में 4 सेशन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वान्टिटी ऑफ 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, राइट। 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा और 200 मार्क्स होगा, 60 मिनट 200 मार्क्स। अब मेन्स एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेक्शन है। पहला सेक्शन जो Paper 1 है उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्रिहेंशन का 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स। तो बेसिकली 2 घंटे का एग्जाम होगा और 200 मार्क्स होंगे, राइट। अब Paper 2 इन मेन्स ये डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंग्लिश हिंदी आप ऐसे लिखना होगा, लेटर लिखना होगा, अप्लीकेशन लिखना होगा, उसके लिए 1 घंटा आपको दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको ओवरव्यू दे दिया है एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ICAR असिस्टेंट पोस्ट का। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग विच इज सिलेबस। सिलेबस आप यहाँ देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए, आप ईच एवरीथिंग आप यहाँ पर पढ़ लो, सेम रहेगा जो नॉर्मल जो ग्रेजुएशन लेवल के जो पैटर्न रहता है। आप अगर SSC CGL या फिर CHSL ये ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम देते हो तो सेम पैटर्न रहेगा, कोई भी आपको नया सिलेबस टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। वो डिफरेंट रीजनल ऑफिसर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में, उसका वैकेंसी वाइज इंस्टीट्यूट वाइज यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल नागपुर से स्टार्ट हो रही है, 5 वैकेंसी है, जूनागढ़, भरतपुर, आश्रम, हजारीबाग, न्यू दिल्ली, झांसी, रांची, हैदराबाद, राइट, ढेर सारे, लखनऊ, न्यू दिल्ली, कटक, कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, बेंगलोर,
महाराष्ट्र, सारा कुछ यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट में कितने निकले हैं, 462, और जो जनरल में 279, ओबीसी में 95, एससी कैटेगरी में 48, एसटी कैटेगरी में 14 और ईडब्ल्यूएस में 26 है। अब बात कर लेते हैं पैन इंडिया एग्जामिनेशन सिटीज़ की। तो प्रीलिम्स का जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पर 5 सेंटर फिल करने का, चूज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आप बिहार से हो तो पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, झारखंड से है तो रांची, धनबाद, तो इस तरह से महाराष्ट्र से तो औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नांदेड, नासिक। सिमिलरली उत्तर प्रदेश से हो तो मेरठ, नोएडा, बरेली, हल्द्वानी, देहरादून, उत्तराखंड, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, अलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, ढेर सारे पैन इंडिया सेंटर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मिलेंगे, बट मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको 2 सेंटर चूज करने पड़ेगा इनमें से, ठीक है।